वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज का वीडियो होने जा रहा है आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है। अब अगर आप ये वीडियो पर आ गए हैं दैट मींस कि ये वीडियो आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है कि जिसके साथ आपका आई डोंट नो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, राइट। ये लवर्स वाले रिलेशनशिप के लिए भी है, ये किसी के अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी हो सकता है, ठीक है। आई डोंट नो कार्ड्स में से क्या निकल कर आएगा, बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। अब इस वीडियो को देखने से पहले, शुरू करने से पहले, यू नो, हम कुछ बातें क्लियर करनी ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम जान रहे हैं कि उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है, राइट। मतलब उस व्यक्ति की मर्जी के खिलाफ आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी उसकी फीलिंग्स क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में वगैरह, ठीक है। अब इन अ वे अकॉर्डिंग टू यस यूनिवर्सल लॉ दिस इज वायलेटिंग समबडीज प्राइवेसी। किसी की प्राइवेसी के खिलाफ जाकर आप यू नो उनके मन में क्या फीलिंग्स चल रही है ये जानने की कोशिश कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम यू नो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा यू नो आप उसके बारे में केयर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स हैं, आप इतना हद से ज़्यादा उनकी हेल्प करना चाहते हैं, आप बहुत ही डीपली हर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा आप वेल विशर हैं उनके, उसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति ऐसा बिहेव करता है, सी जो इमोशनल जो बॉन्ड्स होते हैं, राइट, इमोशनल बॉन्ड्स होते हैं, दिल से दिल के जो तार होते हैं, अगर किसी के साथ बहुत ही स्ट्रांगली जुड़ जाए तो वहाँ पर फिर आप यू नो ये चीज़ नहीं देखते हैं कि हाँ भाई हमने उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन किया, राइट। हम ऐसा नहीं देखते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं चलकर आप दोनों इतने ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो चुके हैं कि जहाँ पर कहीं इट्स लाइक नेसेसरी हो जाता है जानना कि उस व्यक्ति की फीलिंग्स क्या है, राइट। तभी बिकॉज आप उनके साथ इतने डीपली इन्वॉल्व है कि उनके फीलिंग्स जानना ज़रूरी है। अगर उनके फीलिंग्स पता चले तो आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ डिसाइड कर सको, ठीक है। यस, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो इसीलिए कोई गलत इंटेंशन के इरादे से नहीं, यहाँ पर हम एक अच्छे इंटेंशन से, एक अच्छे इरादे से ये रीडिंग कर रहे हैं कि जहाँ पर आपको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है, आपको आगे क्या करना है, वो उसके लिए आपको क्लैरिफिकेशन मिले। दैट इज़ वाई हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि उनके फीलिंग्स क्या है, ठीक है। आपके लिए क्या फीलिंग्स चल रहे हैं वो जानना ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू लुक। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें अपने बारे में बता दूँ, ताकि बिकॉज काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कभी कभी कमेंट्स में आ जाता है कि जो यू नो कमेंट्स, हर एक कमेंट का आंसर करना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए मैं हूँ प्रीति। मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो का रीडिंग्स कर रही हूँ, और आज तक मैंने हज़ारों लोगों की टैरो रीडिंग्स करे हुए हैं। आज तक मैं 20 से 25 अलग अलग देशों के लोगों के लिए मैं रीडिंग्स कर चुकी हूँ। एंड यस, मेरे काफ़ी अलग अलग क्लासेस होते रहते हैं, तो जो क्लासेस आप करना चाहते हैं सारे मेरी वेबसाइट के ऊपर सारे क्लासेस के बारे में डिटेल्स डाली गई है, यू कैन गो अहेड एंड चेक आउट। यस, अभी रिसेंटली अगर आप यू नो बहुत ही बेहतरीन न्यूमरोलॉजी का रिपोर्ट, आपका मोबाइल नंबर का न्यूमरोलॉजी का रिपोर्ट यू नो अवेलेबल है। मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी क्या होता है, यू नो आपका मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है कि हर 5 मिनट में आप इसको चेक करते हैं, राइट। आई थिंक 10 साल पहले 15 साल 20 साल पहले अगर आप सोचो मोबाइल नंबर, मोबाइल फ़ोन इतना ज़रूरी होगा कि नहीं, किसी को नहीं पता था, सब लोग लैंडलाइन के ऊपर डिपेंड करते थे। बट आज के ज़माने में, अभी का टाइम ऐसा है, दिन का ऐसा कोई एक समय बताओ जहां पर आपके हाथ में या आपके आसपास आपका मोबाइल फ़ोन नहीं होता है। सो बिकॉज मोबाइल फ़ोन हम हर 5 मिनट में चेक करते हैं, तो दैट इज़ वाई दिस नंबर, मोबाइल का जो नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपकी लाइफ में या तो सक्सेस ला सकता है या तो रुकावटें ला सकता है। अब आप डिसाइड कीजिए आपकी लाइफ में आपका मोबाइल नंबर क्या ला रहा है। आपका मोबाइल नंबर मतलब आपके पूरा जो मोबाइल नंबर है उसका आप टोटल कीजिए, फाइनल नंबर कौन सा है। अगर फाइनल नंबर 4 है तो क्या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, हर कोई काम करने जाते हैं तो यू नो बार बार काम रुक जाता है, आप मतलब एक स्मूथ प्रोग्रेस नहीं हो सकता है, यू नो मतलब अटक अटक के गाड़ी चलती है, ऐसा आपने अनुभव किया होगा। अगर आपका पूरा मोबाइल नंबर का जो टोटल है यू नो वो अगर होता है जैसे कि नंबर 8 होता है, अगर 8 नंबर आ रहा है तो आपको काफ़ी ज़्यादा यस छोटा से छोटा भी काम क्यों ना करना हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि बहुत सारा भार आपके ऊपर आ गया, बहुत सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई उस छोटे से काम को करने के लिए भी। तो मतलब आपकी लाइफ के छोटे छोटे काम करने के लिए भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फील हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। दूसरा एक है नंबर, अगर नंबर 7 आपके उसमें ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, अगर आपका मोबाइल का नंबर 7 है टोटल, तो हो सकता है कि आपको लग सकता है कि आप
यस, आप यू नो बस बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, आप कुछ कर नहीं पाते हैं, आपको ऐसा फील हो सकता है, ठीक है? सो यस, आपको सक्सेस चाहिए अगर आप यू नो चाहते हैं बहुत सारा नॉलेज आपके अंदर आए, अगर आप चाहते हैं कि आप नॉलेज के पाथ के ऊपर अलाइन हो जाए, आप यू नो लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करना चाहते हैं, आप यस अपने हिसाब से यू नो आप लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का रिपोर्ट आप निकलवाइए अभी। इट इज़ अवेलेबल ऑन अ डिस्काउंट, ठीक है? 20 to 25 पेज का डिटेल वाला रिपोर्ट होता है, यूजली 3,500 से लेकर 4,000 इसके बीच में यू नो आई चार्ज फॉर दिस रिपोर्ट, बट फिलहाल ये रिपोर्ट बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल है, और आई डोंट नो कि ये कितने टाइम के लिए और अवेलेबल होने वाला है, ठीक है? तो इसीलिए अभी के अभी आप यू नो इसके लिए आप रजिस्टर कर लीजिए। रिपोर्ट बनने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे, जिसके बाद यस 3 से 4 बिजनेस डेज, ठीक है? यस, वीकेंड काउंट नहीं होता है, तो बिजनेस डेज काउंट होता है। बिजनेस डेज के भीतर आपको ये रिपोर्ट आपको मिलेगा, ठीक है? 3 से 4 आपको दिन गिनने हैं, एक बार आप पेमेंट कर लो उसके बाद। चलिए अभी जानते हैं आपके जो पर्सन है इनके मन में आपके लिए करंट फीलिंग्स कौन सी है, ठीक है? सारा का सारा हम देखेंगे। सबसे पहले आप अपने गॉड को याद कर लीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने गॉड को याद कीजिए। डियर गॉड स्पिरिट गाइड्स, इस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूअर के लिए क्या फीलिंग्स है, अभी करंट फीलिंग्स क्या है वो जानने में मेरी मदद कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर गॉड स्पिरिट गाइड्स, इस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स है, प्लीज गाइडेंस दीजिए। डियर गॉड स्पिरिट गाइड्स, इस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स है, उसका गाइडेंस दीजिए प्लीज। What are their current feelings? Okay. What are their current feelings towards my viewers? Okay. Okay. Anyways, चलिए इतने कार्ड्स के साथ, काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आ गए। एनीवेज इतने कार्ड्स के साथ शुरू करते हैं पहले। आई डोंट नो कौन से कार्ड्स आए हैं, मुझे भी नहीं पता है, आप ही के सामने मैंने शफल करके कार्ड्स को रखे हैं, ठीक है? तो चलिए साथ में शुरू करते हैं। ओके, एनीवेज अभी हम मैं शुरू करूँ उससे पहले आपको बता दूँ कि अगर आप एक टैरो रीडर हैं, राइट, अगर आपको टैरो रीडिंग आता है, बहुत अच्छे से आता है, थोड़ा बहुत आता है, प्लीज़ लेट मी टेल यू, मेरे जो टैरो रीडिंग्स होते हैं, टैरो के कार्ड्स आप अलग देखेंगे, कार्ड के मीनिंग्स कुछ अलग मैं बता रही हूँ, ऐसा आप देखेंगे, प्लीज़ डोंट जज बेस्ड ऑन दैट, ठीक है? ये मत सोचो अरे भाई इस कार्ड का ये मीनिंग कैसे हो गया, उस कार्ड का वो मीनिंग कैसे हो गया, ठीक है? यस, कभी कभी मैं ये देखती हूँ, बट अगर आप टैरो रीडिंग बिल्कुल परफेक्टली सीखना चाहते हैं तो आप मेरे क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यस यू नो मैंने इतने सारे लोगों को ऐसा देखा है कि जो हमेशा मतलब उनको बताया जाता है कि भाई ये कार्ड का तो यही मीनिंग है, इसके अलावा और कोई मीनिंग हो ही नहीं सकता। दिस इज वेयर अ टैरो रीडर गोज रॉन्ग, ठीक है? मतलब कार्ड्स भले 78 है, बट आप किसी भी कार्ड का कोई भी फिक्स्ड मीनिंग बता ही नहीं सकते। यस, बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी गई हैं, मैंने खुद ने भी बुक लिखी है, बट बुक लिखने के साथ साथ यू नो मैंने मेरे पार्टिसिपेंट्स, जो भी मेरे पार्टिसिपेंट्स आते हैं क्लास में, ज़रूर उनको बताती हूँ कि भाई आंख बंद करके मेरी बुक रट्टा मत करना, बिकॉज कार्ड का मीनिंग सिर्फ जो मेरी बुक में लिखा है वो नहीं है, ठीक है? सो जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम वन बाय वन सारे कार्ड्स को देखेंगे, आपके पर्सन के मन में करंट फीलिंग्स क्या चल रही है वो देखना है, ठीक है? ओके, लेट्स सी व्हाट आर देयर करंट फीलिंग्स। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ उल्टे कार्ड्स भी है। ओके, दैट इज वियर्ड। ओके, उल्टे कार्ड्स को हम उल्टे ही रहने देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास इनकी करंट फीलिंग्स, तो इनकी करंट फीलिंग्स में पहले हमारे पास ये वाला कार्ड है। ओके, दिस इज द हाई प्रीस्टेस। सो ये वाला कार्ड बताता है कि इनकी जो फीलिंग्स है, ये अपनी फीलिंग्स छुपा कर रखना चाहते हैं, भले आपके सामने आते हैं, आपके सामने मतलब फॉर्मेलिटीज एक आते हैं, आपके सामने आते हैं तो थोड़े से यू नो रिजर्व्ड से रहते हैं, थोड़े से खींचे खींचे से रहते हैं, एकदम क्लियरली जो ट्रांसपेरेंसी आपको जो पहले दिखता था वो आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, विच इज़ वाई यू आर वॉचिंग दिस, आप इसी वजह से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आप अपने बारे में छुपाना चाहते हैं, अपने अंदर क्या चल रहा है वो छुपाना चाहते हैं, तो देर आर चांसेस, अपने अंदर जो चलता है वो छुपाना चाहते हैं, तो देर आर चांसेस कि जो भी इनके मन में चल रहा है
वो 100% हम ना बोल पाए, ठीक है, यहाँ पर रीडिंग में हम ना बता पाए, बिकॉज येस यूनिवर्स भी कुछ लेवल तक इंसान के फीलिंग्स को मास्क करने में उनकी हेल्प करता है। अगर इस व्यक्ति का तपोबल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तपोबल मतलब अगर पास्ट में इनका स्पिरिचुअल लेवल बहुत ज़्यादा था, इन्होंने मेडिटेशन बहुत ज़्यादा किया हुआ है कि बहुत ज़्यादा तपस्या की हुई है, तो कुछ हद तक ये अपने फीलिंग्स को, अपने अंदर क्या चल रहा है वो मास्क कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज ये अपने अंदर जो भी चल रहा है वो क्लियरली दिखाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, ये सबसे पहले है, ये आपको बताना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर है, यस ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं। हो सकता है कि इनके लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, बट जो भी इनके भीतर चल रहा है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा मुश्किल इनको लग रहा है, कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ इनको इकट्ठी करनी पड़ रही है इस परिस्थिति में से बाहर आने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट दे आर फीलिंग, इनको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन रहे हैं। अब लेट मी टेल यू वन थिंग, कई बार ऐसा होता है कि जो लोग अगर आप किसी को देखते हैं तो आपको लग सकता है अरे यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, राइट, मतलब ये मतलब अपनी लाइफ को कितना से मतलब कितना वेस्ट कर रहे हैं, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, बट एक्चुअल में जो व्यक्ति खुद सहता है दैट इज़ द फाइनल वर्डिक्ट, कि उसके बारे में वो खुद ही डिसाइड कर सकता है, खुद ही जान सकता है व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इनसाइड देम, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास है, इसके इसको एक और चीज़ फील हो रही है कि इसने इसको अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, इनको इनको आगे बढ़ना है, आई डोंट नो हु दिस पर्सन इज, आप जानते हैं, इनको अपनी लाइफ में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में पीछे रहे हैं, और इनको दे हैव रियलाइज देयर मिस्टेक के लाइफ में शायद इन्होंने या तो पढ़ाई कम की है, या तो इन्होंने अपनी लाइफ में जो काम के ऊपर फोकस है इतना ज़्यादा नहीं किया है। तो ये है कि जो इन्होंने रियलाइज़ किया है और अब ये सीरियसली लेना शुरू कर रहे हैं अपना काम या फिर अपनी पढ़ाई, ठीक है, काम या काम कर रहे हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं मुझे नहीं पता। ऑल्सो अगर ये काम करने के लिए या फिर किसी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से इन्होंने प्रिपेरेशन शुरू कर दिए हैं। दिस कार्ड इज़ फॉर इनका एक और फीलिंग है कि ये चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते हैं, यू कैन सी दे जस्ट डोंट वांट टू फेस थिंग्स। यस टैरो रीडर्स स्टॉप जजिंग, आपको बस ये वीडियो देखना है कि क्या आपके लिए इसमें मैसेज आ रहा है, ठीक है, डोंट जज, मेरे क्लास में आ जाओ, बट यस अभी मैं आपको नहीं बता सकती, मैं ऐसा ये कार्ड जो एट ऑफ स्वॉर्ड्स है, मुझे पता है इसके मीनिंग्स आपने बुक में से क्या पढ़े होंगे या आपने अपने क्लास में क्या सीखे होंगे, बट दैट इज़ टोटली कॉन्ट्राडिक्ट्री टू व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। मैं अभी ये बता रही हूँ कि ये आप अपनी सिचुएशन को फेस ही नहीं करना चाहते हैं, राइट, सो यस, तो दिस पर्सन डज नॉट वॉन्ट टू फेस देयर सिचुएशन। इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा भूचाल तो नहीं आ सकता, नॉट भूचाल, बट भूचाल इज वेर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, बट यस इनकी लाइफ में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस, थोड़ा बहुत केओस ज़रूर है, ठीक है, तो ये एक चीज़ है। नेक्स्ट जो हमारे पास कार्ड है, ये कार्ड बताता है कि इनका फोकस हो सकता है कि इन्होंने टोटली मनी पर अपना फोकस कर दिया है, राइट, ये काफ़ी ज़्यादा पैसों को कमाना चाहते हैं, पैसों में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, फाइनेंशली स्टेबल पर्सन होना चाहते हैं, तो ये चीज़ है कि जो हो सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़, यस यहाँ पर फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और वो उल्टा है, ये काफ़ी ज़्यादा रिपल्सिव फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन फील करते हैं, इनको काफ़ी लड़ाई करने की इच्छा होती है, तलवारबाजी, या नॉट लिटरली तलवारबाजी, बट यस इनको काफ़ी लोगों से लड़ाई करना, जूझना, अपना एग्रेसिवनेस दिखाने की इच्छा हो सकती है, बट बहुत ज़्यादा वो अपने अंदर दबा रहे हैं। अब यस अप टू एन एक्सटेंट कभी कभी लोग कहते हैं कि अपना गुस्सा अपने अंदर दबाना नहीं चाहिए, बट गुस्सा एक्सप्रेस करने के भी तरीके होते हैं, आप अपने इम्पॉर्टेंट रिश्तों को, राइट, उसको उनके ऊपर अपना गुस्सा डंप नहीं कर सकते हैं। सो यस कैसे आप अपने एंगर से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए वीडियो मेरी चैनल के ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ है, आप ज़रूर वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ओके नेक्स्ट कार्ड वी हैव हियर इज़, यस ये वाला कार्ड है, और भी एक चीज़ इनकी करंट फीलिंग्स में ये भी है कि ये काफ़ी अपने ड्रीम फुलफिलमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, बट
समवेयर और दी अदर इनको लगता है कि अभी कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, यू नो दे जस्ट दे आर रेडी इन साइड, बट इनको फिर भी लग रहा है कि अभी तक रेडी नहीं है, अभी तक सही मोमेंट नहीं आया है. पता नहीं उनको कुछ आसमानी साइन मिलेंगे, मतलब सिंक्रोनिस्टिक साइंस वगैरह कुछ मिलेंगे कि जो इनको शायद इशारा कर दे कि चलो भाई आगे बढ़ो, बट दे आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप. ठीक है, इनके इनके फीलिंग्स है, येस दे वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल, इनको अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू फुलफिल देयर ड्रीम्स. ठीक है, द रीज़न ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग इज आई थिंक सक्सेस, इनको सक्सेस चाहिए भी और नहीं भी चाहिए. मे बी इनको सक्सेस चाहिए, बट सक्सेस के साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आई डोंट थिंक केयर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, बिकॉज फ्रॉम द स्ट्रेंथ कार्ड ये काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर चीज़ें ले सकते हैं, दैट शोज के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ये भाग नहीं रहे हैं. बट आई थिंक नेम एंड फेम जो मिलता है, सी अगर कोई इंसान बहुत बड़े लेवल पर सक्सेसफुल होता है तो उतना ही बड़ा नेम और उतना ही बड़ा फेम उनका पीछा करेगा. ठीक है, तो शायद इनको बड़ा नेम और फेम नहीं चाहिए, दिस इज़ वाई दे आर नॉट वर्किंग टूवर्ड्स बिकमिंग वेरी सक्सेसफुल. ठीक है, ये वाला कार्ड है, ये कहता है कि यस दे आर टोटली फीलिंग दिस, यू नो ये व्यक्ति टोटली स्टक वाला फीलिंग फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि बस लाइफ एक जगह पर अटक गई है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू नो ये तीन कार्ड्स को देख कर के, ये दो कार्ड्स को देखकर तो स्पेशली लग रहा है कि ये व्यक्ति खुद ही नहीं बढ़ रहे हैं आगे, बट इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ अटक गई है, यूनिवर्स ने कहीं पर स्टॉपेज लगा दिया है कि जहाँ पर चीज़ें इनके लिए आगे नहीं बढ़ रही है. ठीक है, सो दिस इज़ वॉट दे आर फीलिंग. और यस सी, कभी कभी आपको बताऊँ, अब जस्ट बिकॉज मैंने ये बात बताई तो इसके आधार पर आप उस व्यक्ति को पुश करना शुरू मत कर दो कि भाई आप ही रुक रहे हो. ठीक है, भले ये बोलना बहुत आसान होता है, सी समटाइम्स यू नो जो ब्लॉकेजेस होते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है तो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े ब्लॉकेजेस हो सकते हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड में, और उसको प्रोग्राम करना पड़ सकता है. ठीक है, यस आई डू कंडक्ट हिप्नोथेरेपी के सेशंस में कंडक्ट करती हूँ, कि जहाँ पर आपको सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के आपको तरीके मिल सकते हैं. ठीक है, सो यस वो सेशन आपको बुक करवाना पड़ेगा इस व्यक्ति के लिए, और मेक श्योर कि आप इस व्यक्ति को पहले पूछ लो कि भाई क्या आप ऐसा सेशन हम अगर बुक करवाते हैं तो क्या आप करेंगे, बिकॉज यू नो अगर आप एज अ वेल विशर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बाय ऑल मीन्स मुझे पता है यू नो आपका इरादा बहुत सही है, बट यू नो लोग करना नहीं चाहते हैं. आप उस व्यक्ति को पूछो 100% अगर वो रेडी है तो उनको बोलो कि हाँ भाई चलो ये सेशन बुक करवा कर आप करो. ओके, आप उनको बता सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती है कि लोग दूसरों के भले के लिए यू नो करवाना चाहते हैं, बट इट डजंट वर्क दैट वे. अगर उस व्यक्ति को खुद कुछ करना ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, चाहे जितने भी अच्छे थेरेपिस्ट क्यों ना मिल जाए आपको. ठीक है, चलो तो ये है और रुके हुए से हैं. द नेक्स्ट वी हैव इज दिस कार्ड, एंड इनके करंट फीलिंग्स में ये भी एक चीज चल रही है कि इनके करंट फीलिंग्स में एक और चीज है कि जो भी इनकी लाइफ में आ रहा है इनको सबको इक्वल टाइम देना है, सबको इक्वल टाइम देना है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है. दैट इज़ वेरी वियर्ड, मुझे नहीं पता ये व्यक्ति के साथ आपका रिलेशन कौन सा है, बट यस इक्वल टाइम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अटेंशन देना है, ताकि किसी को ये ना लगे कि भाई ये क्या है, आप उनको ज़्यादा टाइम दे रहे हो, मुझे लेस टाइम दे रहे हो. आई डोंट नो वॉट दिस इज़ अबाउट. ठीक है, मुझे ये नहीं पता है कि क्या ये व्यक्ति आपके बॉयफ्रेंड थे, और क्या इनकी लाइफ में मल्टीपल पार्टनर्स है और ये सभी को इक्वल टाइम देना चाहते हैं. लग तो मुझे ऐसा ही रहा है. ठीक है, बट यस जस्ट बिकॉज मैंने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये रीडिंग किसके लिए है, तो इट कुड बी समथिंग एल्स ऑल्सो. ठीक है, ये वाला जो कार्ड है ये बताता है कि इनकी जो फीलिंग्स, यस काफ़ी ज़्यादा लस्ट वाली फीलिंग्स इनके मन में है. ठीक है, लस्ट वाली काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स है, काफ़ी ज़्यादा यू नो ये अपने लस्टफुल फीलिंग्स में ही खोए हुए हैं. ओके सी, अब यहाँ पर भी प्लीज़ डोंट जज दिस पर्सन. यू नो अब मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये कहते हुए सुना है, यू नो ओ माई गॉड ये व्यक्ति कितना बुरा है, यू नो ये कितना ज़्यादा लस्ट भरा है उसके अंदर. अब येस यू नो एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड, यू नो हर एक व्यक्ति का जो सेक्स ड्राइव होता है वो अलग होता है, हर एक व्यक्ति का जो ड्राइव होता है, किसी व्यक्ति का ज़्यादा होता है, किसी का मॉडरेट होता है, किसी का कम होता है. ठीक है, अगर किसी का नेचुरली ड्राइव ज़्यादा है तो आप उस व्यक्ति को जज मत करो कि भाई ये कितने बुरे इंसान हैं, कितने गंदे इनके विचार हैं. राइट, यू कैन नेवर थिंक लाइक दैट. राइट, ये कुछ ऐसी बात हो गई जैसे या कोई एप्पल
जैसे एक एप्पल है बहुत ज्यादा मीठा है, एक एप्पल है कि जो इतना मीठा नहीं है खट्टा है, आप मतलब उस एप्पल को, अरे यार ये कितना बुरा एप्पल है कि ये खट्टा है, राइट? अब दैट एप्पल डिड नॉट हैव इट इन इट्स कंट्रोल, नेचर ने उसको ऐसा बनाया है, राइट? सो प्लीज डोंट जज पीपल लाइक दैट. चलिए अभी जानते हैं, यस यू नो, जब भी आप ऐसा कोई रीडिंग देखते हैं, ऐसा कुछ किसी के माइंड में क्या चल रहा है, किसी के फीलिंग्स में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करते हैं, तो उसके बाद यूनिवर्स आपको कुछ गाइडेंस डेफिनेटली देना चाहता है, राइट? यूनिवर्स से थोड़ा गाइडेंस लेना जरूरी है बेस्ड ऑन आप इस सिचुएशन में जो भी आपने देखा, बेस्ड ऑन दैट आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? तो वो जरूर देखते हैं. डियर गॉड स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए उसके लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज. डियर गॉड स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए उसके लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज. डियर गॉड स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए उसके लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज. डियर गॉड स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए उसके लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज. डियर गॉड स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए उसके लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज. चलिए देखते हैं वन बाई वन यहाँ पर कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं. सबसे पहले ओके, अभी अगर आप ये वीडियो देखते देखते अभी कुछ ही क्षण पहले अगर आपने कुछ सोचा और आपने ये जानने की कोशिश की कि यार इसमें क्या है, मतलब ये ऐसा करूँ या ना करूँ, या इसका जवाब यस है या नो है, अगर यस नो में आप फंसे हुए हैं तो ये वाला कार्ड बताता है यस, वॉट एवर यू आर थिंकिंग उसका जवाब यस है, ठीक है? योर इंट्यूशन इज करेक्ट, टेक एक्शन अकॉर्डिंगली, तो आपको एक्शन अकॉर्डिंगली लेना चाहिए, ये कार्ड ऐसा बताता है, ठीक है? दैट इज़ वन थिंग. नेक्स्ट चीज़ जो यूनिवर्स बताना चाहता है, सेट योर साइट्स हायर, इंक्रीज योर स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्ट मोर ऑफ योर सेल्फ, डोंट सेटल. अच्छा, अब ये व्यक्ति यू नो जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि जो जैसा वो बिहेव करे ऐसा आपको चलेगा, अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो यू नो, अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो इस कार्ड सेज अपने स्टैंडर्ड्स हाई सेट करो. इस व्यक्ति को बोलो कि उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो रहे, अगर वो नहीं रहना चाहते, अगर उनके मन में आपके लिए इम्पोर्टेंस है तो डेफिनेटली वो आपके सेट किए हुए स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने आप को खड़ेंगे, अपने आप को एडजस्ट करेंगे. अगर ऐसा नहीं करेंगे दैट मीन्स दे डोंट केयर, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर ये कार्ड बताता है, ट्रेजर चेस्ट, अनफोर्सिंग विनफॉल ऑफ न्यू अबंडेंस कम टू यू. यस, आपकी लाइफ में कोई ना कोई अबंडेंस आने वाला है कि जो जल्दी ही आपकी लाइफ में, यस अगले 2 से 2.5 महीने के भीतर ये अबंडेंस आपकी लाइफ में आ जाएगा, ठीक है? सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको एडिशनल क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप रीडिंग बुक करवाकर आप मेरे पास एडिशनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? रीडिंग बुक करवाने के लिए पैसे लगेंगे, यस चार्ज पेड रीडिंग है, प्री पेड आपको रीडिंग करना पड़ेगा जिसके बाद आपको रीडिंग मिलेगा. ये रीडिंग आपको या तो ऑडियो कॉल के द्वारा या तो वीडियो कॉल के द्वारा मिल सकता है. प्लीज़ मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर चेकआउट कीजिए, अलग अलग पैकेजेस हैं, आपको कौन सा पैकेज सूट करता है आप देख लीजिए, ठीक है? सो यस, और मेरे क्लासेस में अगर आप जाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे क्लासेस में आप आइए. मेरे आई वुड रियली लाइक टू वेलकम यू इनटू माय क्लासेस. मेरी वेबसाइट के ऊपर जाइए और वहाँ पर जाकर यू नो सारे डिटेल्स, सारे अलग अलग क्लासेस दिए गए हैं, प्लीज़ जो गो एंड चेक इट आउट, ठीक है? सो यस, सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. इस वीडियो में बहुत बहुत शुक्रिया आप एंड तक बने रहे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसे ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट किया. अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से. मेरे चैनल से सब्सक्राइब नहीं है, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.